Again, find the largest number among two integers using switch statement. Previous session में same program discuss किया था by using conditional statement if else. लेकिन same case same program create करना by using switch statement. Again, means logics कैसे हैं? Almost same, लेकिन same logics implement करना with the help of switch statements. Means if or else के केस में conditions क्या थे? Like that, if x greater than y, then display printf x is large, otherwise condition false, then display kya karata y is large, like that, or displaying value of x, y. Same as same case implement karna with the help of switch statements, like that, declaring two variables, integer x, comma y something. Next one. In that case, इस केस में कोई extra variable use नहीं कर रहा, directly x और y के form में result display कर रहा है. First one, सबसे पहले required step क्या रहेगा? Reading inputs. How many inputs are required? Two numbers. Enter two number. Enter two number. Then scanf. Scanf के through read कितने numbers करना है? Two numbers आ जाए, address of x, address of y something. Next one, providing switch case. Switch के case में simply provide क्या करेंगे? Conditions like that, x greater than y. Important things in here, इस case में switch के case में generally supply क्या करते हैं? Patterns और some argument. लेकिन इस case में patterns के places पर supply क्या किया? Conditions. जब भी स्विच के केस में कंडीशंस प्रोवाइड करें तो कंडीशंस के केस में ओनली टू के पॉसिबल केस होंगे. कंडीशंस के रिजल्ट्स क्या आएंगे? आइदर 0 और 1. अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा? 0. कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में रिजल्ट क्या आएगा? 1. इन दैट केस देन फाइनली टू डिफरेंट केसेस को हैंडल करने के लिए केस कितने प्रोवाइड करें? टू केस, केस 0 एंड केस 1, केस 0 एंड केस 1. और सबसे पहले मैं इस केस में केस 0 प्रोवाइड ना करें, पहले क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? केस 1 देन केस 0. मींस सीक्वेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं. केस 1 इज सिमिलर टू बॉडी ऑफ इफ एंड केस 0 इज सिमिलर टू बॉडी ऑफ एल्स. बिकॉज़ जब ये कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर इसका रिजल्ट ट्रू है, ट्रू के केस में क्या आएगा? 1. अगर 1 आ रहा था नहीं, मैच किससे होगा? फर्स्ट केस से. 2 के केस में मैच किससे होगा? 1 से. इसलिए इस केस को कंसीडर करेंगे जब बॉडी ऑफ इफ सेम एज. दूसरा पॉसिबल केस क्या? कंडीशन इज फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के केस में रिजल्ट क्या आएगा? 0. 0 के केस में मैच क्या हुआ? सेकंड केस. दिस वन इज सिमिलर टू एल्स ब्लॉक, दिस वन इज सिमिलर टू इफ ब्लॉक. इस केस में जो भी लॉजिक्स आप इफ के केस में प्रोवाइड करते हैं, सेम लॉजिक्स प्रोवाइड करें इनसाइड बॉडी ऑफ केस 1. जो लॉजिक्स एल्स ब्लॉक के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किए थे, सेम लॉजिक्स प्रोवाइड करें इनसाइड बॉडी ऑफ केस 0. इस टाइप से स्विच केस के थ्रू भी इफ और एल्स को हैंडल करना पॉसिबल हुआ. जो लॉजिक्स इफ एल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना पॉसिबल था, वो सारे लॉजिक्स स्विच केस के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हुआ. केस 1, केस 0. केस 1 के केस में क्या है? एक्स इज लार्ज और सिंपली डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स. प्रिंट एफ x is large or percent d is large, displaying value of large. अरे condition true है, then percent d के प्लेस पर display क्या कराएंगे? Value of x. क्यों? Condition true कब होगा? अगर x का value y से बड़ा है. Then providing break statement, providing break. Next one, case 0. Then printf case 0 means similar to else block. इस केस में डिस्प्ले कराएंगे percent d is large, लेकिन इस केस में percent d के प्लेस पर वैल्यू किसका डिस्प्ले कराएंगे? वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y. इस केस में डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ y. इस केस में डिफॉल्ट ब्लॉक प्रोवाइड करने की नीड नहीं, ना ही ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि लास्ट केस के केस में ब्रेक की कोई नीड नहीं हुई. नेक्स्ट थिंग्स, डिफॉल्ट की नहीं, बिकॉज कंडीशंस के केस में टू ही पॉसिबल केस होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, मींस मे बी 1 और मे बी 0. इसके अलावा तीसरा केस पॉसिबल है, इसलिए डिफॉल्ट इस केस में मीनिंगलेस होगा. देयर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट. दिस इज द फाइनली क्लोजिंग. चेक कर सकते हैं इस केस में फर्स्ट वन, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट होंगे? देयर आर टू वेरिएबल्स. दिस वन इज आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स एंड वाई. इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे इस केस में एक्स और वाई के?
garbage. Next one, enter two numbers. Enter two numbers. Display करा है value of x is 10 space 20. First value scanf के थ्रू आसानी किस में हो जाएगा x में, second value 20 आसान हो जाएगा y के किस में. Next one condition testing, जब switch के केस में condition test होगा x के place पर क्या आएगा, value of x is 10, y के place पर replace करेंगे value of y is 20. चेक करो condition और relation कैसा है, true or false, relation is false. Because first operand के value second से छोड़ा है, जबकि check किसके लिए कर रहे हैं, greater than के लिए. Condition false है, false means zero. Finally, overall इस place पर replace क्या हो जाएगा, value और result of that expression as zero. Zero किससे मैच हुआ, first case और second case, level of the second case, that one. इस case में display हो जाएगा y के प्लेस पर, y का वैल्यू 20, परसेंट d के प्लेस पर क्या है 20, फाइनल मैसेज क्या एग्रीड हो रहा है इस केस में, 20 इज लार्ज, लाइक दैट.